देखो, फोर्स ऑन अ प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर, सबसे पहले एक पॉइंट डिस्कस करने वाला है कि ये एक कैपेसिटर की प्लेट्स हैं। कैपेसिटर का चार्ज एक प्लेट पे प्लस क्यू है और दूसरी प्लेट पे माइनस क्यू है। प्लस क्यू प्लेट माइनस क्यू प्लेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, यानी कि फोर्स लगाएगी। तो इसमें इमेजिन कर लें कि ये प्लेट फिक्स है, ये मूव नहीं कर सकती, लेकिन ये मूव कर सकती है। तो ये वाली प्लेट पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि पॉजिटिव प्लेट अपने आसपास क्या लगा रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही है, ई लगा रही है। अब ये अगर प्लस है, ये माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के बीच में कहीं पर भी, इसकी वैल्यू क्या होती है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट दोनों प्लेट्स का कॉम्बिनेशन होता है ई का, है ना? हमने किया था, प्लस वन रखो, ये भी ई लगाएगा, ये भी ई लगाएगा, नेट वैल्यू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आएगी। लेकिन सिंगल प्लेट, अकेली प्लेट अपने आसपास, इनफाइनाइट शीट, हमने गॉस थ्योरम किया था, इनफाइनाइट शीट अपने आसपास ई क्या लगाता है? सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। तो एक सिंगल प्लेट अपने आसपास सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। तो ये प्लेट नेगेटिव अपने ही ऊपर ई तो लगा नहीं सकती, क्योंकि कोई भी चार्ज बॉडी अपने ऊपर ई लगाती नहीं है कभी भी। लेकिन ये पड़ोस की जो जो प्लेट है वो इसके ऊपर ई लगाएगी। तो सिंगल शीट ई क्या लगाएगी? सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। इसके ऊपर चार्ज कितना है? माइनस क्यू। तो ये प्लेट इसे अट्रैक्ट करेगी विद अ फोर्स ऑफ माइनस क्यू इनटू ई। क्या ये पॉइंट क्लियर है? मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो ये फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है। ई की वैल्यू पुट कर दी कितनी? सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। तो ये फोर्स का फॉर्मूला आ गया। सिग्मा प्लेट का क्या होता है? चार्ज बाय एरिया, क्यू से क्यू मल्टीप्लाई, क्यू स्क्वायर बाय टू एप्सिलॉन नॉट ए। दिस इज द फोर्स ऑन द प्लेट ऑफ अ कैपेसिटर। फॉर्मूला बुकलेट में एंट्री कर लो, एक इस फॉर्मूला की और एक नीचे वाले फॉर्मूला की। एक ये फॉर्मूला एंटर कर लो, ये वाला फॉर्मूला, और एक ये वाला फॉर्मूला, इसे नोट कर लो प्लीज़।